हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला सेशन जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से फोर्टी तक डी 2019 जेनेटिक्स का क्वेश्चन हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में पूछा है कि एम एन सलीजम किस तरीके की इंट्रैक्शन है एमन सलीजम इंट्रैक्शन एक ऐसी इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को ना तो बेनिफिट होता है ना लॉस होता है दैट मीन्स इट रिमेन्स अनअफेक्टेड लेकिन जो दूसरी स्पीसीज होती है उसको लॉस होता है उसको हार्मफुल इंट्रैक्शन होती है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर इसमें वन हैज़ द डेट्रीमेंटल इफेक्ट मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड दूसरी वाली किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं हो पाती है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर ए लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें टारगेटेड सप्रेशन करना है जीन का तो कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए टारगेटेड सप्रेशन। जैसे हमारे पास में कोई डीएनए है और इस डीएनए के अंदर कहीं पे ए जीन है बी जीन है सी जीन है डी जीन है तो क्या करना चाहिए हमें जिस जीन का हमें टारगेटेड सप्रेशन करना है उसके अगेंस्ट एक आरएनए तैयार करना चाहिए वो आरएनए उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो वहीं पर जाकर के वो अटैच होगा बेस पेयरिंग करेगा सो उसका सप्रेशन कर देगा सो आरएनए इंटरफेरेंस इज द बेस्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हार्डी विनबर्ग इक्वेशन से डेविएशन कब आएगा हार्डी विनबर्ग इक्वेशन ये कहती है कि जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी रिमेन्स द सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है और ऐसा कब कब होता है तो हार्डी विनबर्ग ने कुछ कंडीशंस रखी थी अगर रैंडम मैटिंग होती है तो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन फॉलो होती है अगर सलेक्शन एबसेंट होता है तो भी हार्डी विनबर्ग इक्वेशन फॉलो होती है और अगर पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज है तो भी हार्डी विनबर्ग इक्वेशन फॉलो होती है सो so, एक ही केस ऐसा है जहां हार्डी विनबर्ग इक्वेशन फॉलो नहीं होती दैट इज फाउंडर इफेक्ट आल्सो नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है इसलिए यह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओबिश बॉडी ग्रेन के मैचोरेशन में हेल्पफुल होती है ओबिश बॉडी ऐसी एसेलुलर स्ट्रक्चर है जो टेपेटम के अंदर होती है टेपेटम एक लेयर है जो कि डेवलपिंग ग्रेन्स को हेल्प करती है यह लिपिड ये, लिपिड नेचर की होती है और इसके साथ साथ ही यह स्पोरोपोलिन का पार्ट भी होती है so, सो स्पोरोपोलिन एग्जाइन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है सो सेकेंड आंसर मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज है बॉडीज कुछ नहीं है छोटी छोटी स्ट्रक्चर है ये लिपिड की होती हैं, तो कैलोज नहीं हो सकता प्रोटीन नहीं हो सकता पॉलीसेकेराइड नहीं हो सकता दे आर द लिपिडियस बॉडीज लेट्स लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक क्रोमोजोमल एब्रीविएशन होता है क्रोमोजोमल एब्रिशन होता है जिससे जीन का ऑर्डर तो चेंज हो जाता है चेंज इन द ऑर्डर ऑफ जीन लेकिन जेनेटिक मैप है वो चेंज नहीं होता लिंकेज ग्रुप इसका चेंज नहीं होता जेनेटिक मैप चेंज हो जाता है लिंकेज ग्रुप चेंज नहीं होता ऐसा तो तभी हो सकता है जब इन्वर्जन हो जैसे पहले मान लीजिए कि ये डीएनए है जिसपे ए बी सी डी ई e जीन है अगर मैं यहां से बी सी डी जितना डीएनए तोड़ के इसको इन्वर्स करके लगा दूं तो सीक्वेंस ऐसा बन जाएगा तो देखिए तीनों जीन सेम डीएनए पे है अभी भी लेकिन इनका अब सीक्वेंस चेंज हो चुका है सो इन्वर्जन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स एक डिसऑर्डर है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस ये किसका एग्जाम्पल है कॉन्टेक्ट डरमेटाइटिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इच इज टाइप फोर सेंसिटिविटी ये जो है वो टाइप फोर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए हमें एक लीटर सॉल्यूशन बनाना है जीरो पॉइंट वन एन एमजीसीएल टू का फ्रॉम टेन एन स्टॉक सॉल्यूशन तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा सिंपल सा एक इक्वेशन है एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू नाउ कितना सॉल्यूशन बनाना है वन लीटर वन लीटर का मतलब वन थाउजेंड एम एल तो वी टू की वैल्यू आ जाएगी वन थाउजेंड एम एल गोट इट कितने से बनाना है कितना बनाना है पॉइंट वन एन तो पॉइंट वन एन बनाना है गॉट इट नेक्स्ट कितना स्टॉक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है टेन एन तो टेन और कितना हमें वाटर लेना पड़ेगा कितना हमें जो है वो मैगनी मेग, मैग्नीशियम क्लोराइड लेना पड़ेगा ये हमें निकालना है सो so, कैसे करेंगे पॉइंट से एक जीरो कम हो जाएगा x इक्वल्स टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन दैट मीनस हमें टेन एम लेना पड़ेगा मैग्नीशियम क्लोराइड अगर टेन एम मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहे हैं तो नाइन नाइनटी एम वाटर लेना पड़ेगा फोर्थ ऑप्शन तभी तो टोटल हंड्रेड परसेंट होगा मतलब कि तभी टोटल वन थाउजेंड एम होगा हमारा कंप्लीट सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इस क्वेश्चन में कहा है कि वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज जीरो व्हेन द सेल इज फुल्ली टर्जिड जब सेल फुल्ली टर्जिड कंडीशन में है तो किसकी वैल्यू जीरो हो सकती है बताइए टर्गर प्रेशर जीरो नहीं होता टर्गर प्रेशर तो मैक्सिमम होता है जितना टर्गर प्रेशर होता है उतना ही वॉल प्रेशर होता है जीरो नहीं होता है ऑस्मोटिक प्रेशर भी जीरो नहीं होता है लेकिन हमारे पास में डीपीडी का फॉर्मूला है डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी ओपी माइनस टीपी यहां पर जब सेल फुल्ली टर्जिड होती है तब उस कंडीशन में ओपी एंड टीपी इक्वल हो जाते हैं व्हेन सेल इज फुल्ली टर्जिड ओपी इक्वल्स टू टीपी तो अगर टीपी की वैल्यू वन बार है तो ओपी की वैल्यू भी वन बार ही होगी इसलिए डीपीडी बिकम्स जीरो एट फुल्ली टर्जिड सेल कंडीशन सो आंसर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन ऑर्डर टू प्योरिफाई ए प्रोटीन फ्रॉम ए गिवन सेल एक्सट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टेक्निक वुड गिव मैक्सिमम प्योरिटी मैक्सिमम प्योरिटी कहां से मिलेगी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से क्योंकि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं ऐसा लाइगेंड यूज करते हैं जो पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ ही बाइंड करता है तो जब हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही चाहिए उस मिक्सचर से तो उस प्रोटीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइगेंड है वो प्रिपेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही प्रोटीन है प्योरीफाई होगा सो मैक्सिमम प्योरिटी मिलेगी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि कैरियोटाइप प्रोड्यूस करना है और उसके लिए कॉल्चिसन को यूज किया तो बताइए क्या करती है सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनने नहीं देती है इसलिए सेल के अंदर जो है वो डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है और सेल अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज के अंदर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू So, इस तरीके से इस सेशन के अंदर हम देखते हैं इतने क्वेश्चन जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के अंदर जहां पर हम अगले टेन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन से फिफ्टी तक देखेंगे